बारिश बहुत अच्छे से शुरू हो गई है और इस बारिश के कारण आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको स्किन की केयर कैसे की जाए इस मानसून में उसके बारे में थोड़े टिप्स दें। सबसे पहला, आपका सनस्क्रीन लगाना चालू रखिए। आप ये मत सोचिएगा कि धूप नहीं है, गर्मी नहीं है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपके मोबाइल से, स्क्रीन से, बाकी जगह से, लाइट से, कुछ लेडीज जो किचन में काम करते हैं उससे जो हीट जनरेट होता है ये अभी भी चालू है। सेकेंड चीज़ जो ज़रूरी है कि आप जब भी बाहर जाते हो तो जो फुटवेयर है, चप्पल है, वो ओपन रखिए। ज़्यादा टाइट क्लोज शूज़ मत पहनिए। सॉक्स अगर आपको पहनना कंपलसरी है तो आप जब आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पर पहुँच जाते हो उसके बाद सॉक्स पहनिए। ट्रैवलिंग में सॉक्स मत पहनिए वरना वो गीले सॉक्स के साथ ही आप दिन भर रहोगे। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप भीग के घर आप वापस आ रहे हो बारिश में से तो सबसे पहले आपको नहाना चाहिए अच्छे से सोप के साथ एंड पूरी बॉडी प्रॉपरली ड्राई करके उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए बिकॉज मानसून में पानी का कॉन्टैक्ट होने के बाद ड्राइनेस बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बारिश के क्लाइमेट में हम देखते हैं वो है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि दादर, बैराज, गजपरन, ये बढ़ जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो आपके अंदरूनी भाग को पूरी तरह से ड्राई रखिए। सारे जो आपके इनरवेयर हैं उसको प्रॉपरली आप चेंज कीजिए, गीले कपड़े में मत भूलिए।